कश्मीर फाइल्स फिल्म इस समय देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस फिल्म के बैकग्राउंड पर एक्टर प्रकाश राज ने भी कमेंट किया है। उन्होंने कुछ घटनाओं को याद किया है। प्रकाश राज ने अपने ट्विटर पर एक स्टोरी शेयर की है। इस फोटो में गोधरा हत्याकांड, दिल्ली दंगे, जीएसटी लागू करने के दौरान आंदोलन, सांप्रदायिक दंगों के समय की स्थिति, कोविड के शुरुआती दिनों में मजदूरों के पलायन, गंगा के प्रदूषण की तस्वीरों का एक कोलाज है। इस ट्वीट में प्रकाश राज कहते हैं, प्रिय सर्वोच्च अभिनेता जो निर्माता बन गए हैं, क्या आप इन फाइलों पर ध्यान देंगे और उन्हें प्रदर्शित भी करेंगे? और अभिनेता के इस ट्वीट के बाद सबका रिएक्शन यही है कि अगर आप ट्वीट कर सकते हैं तो आप इन मुद्दों पर फिल्म बनाने की हिम्मत भी कर सकते हैं। और जब से अभिनेता ने ये ट्वीट किया है तब से ही बवाल मचा हुआ है। जहां कई सितारे फिल्म के समर्थन में नजर आए तो वहीं प्रकाश राज जैसे अभिनेता फिल्म के खिलाफ बातें करते हुए नजर आए हैं। दरअसल इन सितारों को वही फिल्म अच्छी लगती है जो इनके एजेंडा पूरे करती है। और अभिनेता की माने तो आज से 22 साल पहले कुछ हुआ ही नहीं था। कश्मीर में कोई हिंदू मारा ही नहीं गया। जो भी फिल्म सच्चाई दिखाने की कोशिश करती है तो उसके खिलाफ कई लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन सेलिब्रिटीज के इन ट्वीट के बाद सबके सामने उनके असली चेहरे आ रहे हैं और सबको इस बात का पता चल रहा है कि ये जिनके इतने बड़े फैन हैं उनकी सोच किस तरह की है। वहीं आपको बताते चलें कि प्रकाश राज इससे पहले भी कई ऐसे ट्वीट कर चुके हैं जो कश्मीर फाइल्स के खिलाफ हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है और उन्होंने फिल्म के बारे में ट्वीट करते हुए पूछा था, क्या द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जो दर्द देती है, ठीक करती है या नफरत फैलाती है। पिछले कुछ दिनों से अभिनेता इसी तरह के ट्वीट करके लाइमलाइट का हिस्सा बने हुए हैं। तो दोस्तों, आपको इस बारे में जानकर कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।